हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। हिस्ट्री के बारे में, पेमेंट प्रोसेसर के बारे में एंड इसके अलावा डेटा सेंटर, ट्रैफिक एंड इसके अलावा दो चार पॉइंट और भी हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारी जो वेबसाइट इस समय बंद पड़ी हुई है उसके बारे में काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में ज़रूर बने रहिए। हमारी माइग्रेशन की प्रक्रिया को चलते हुए 12 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। जी हाँ, अगर हम देखें तो 28 तारीख को ये प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी और आज 14 तारीख हो चुकी है, यानी कि लगभग 14, 15, 16 दिन हो चुके हैं अगर देखा जाए पूरी तरीके से कैलकुलेट करके। तो यहाँ पर एसर ने एक बार कहा था कि हम सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से रिलैक्स रहें। जी हाँ, हम पूरी तरीके से रिलैक्स हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर सामने आने वाली हैं और आ रही हैं। आने वाले दिनों के अंदर हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जब इस माइग्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखना यह है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, हर एक जो भी इस कंपनी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हमारे कस्टमर हों, चाहे वो हमारे एफिलिएटर्स हों, चाहे वो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हों, सभी के लिए जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी है। सबसे पहले हम पॉइंट की बात करते हैं पेमेंट प्रोसेसर की। सबसे पहले अगर हम पेमेंट प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यह हमारे सिस्टम का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछली अपडेट के अंदर आपने देखा था कि मोहम्मद कमाल सर ने भी हमें यह बताया था कि इसकी जो टेस्टिंग है वो 2 बार सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम के अंदर पेमेंट प्रोसेसर जल्दी देखने को मिले। इसमें इंडिया के लिए UPI का ऑप्शन भी शामिल है और इस पर काफ़ी लंबे समय से काम भी चल रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारे पेमेंट प्रोसेसर से संबंधित सारी प्रक्रियाएं हमारे सामने आ सकती हैं। इसलिए हम सभी लोग यहां पे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आपके मन में जो भी सवाल या जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, बस आपको धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि पेमेंट प्रोसेसर पर काम चल रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स जो कंपनी के पास ऑलरेडी मौजूद है उन पर भी जो कहीं ना कहीं जो है ज़रूर काम चल रहा होगा, क्योंकि पेंडिंग विड्रॉल्स का हर फाउंडिंग मेंबर इंतज़ार भी कर रहा है। क्योंकि जब हमारा पेमेंट प्रोसेसर पर काम चल रहा है तो पेंडिंग विड्रॉल्स भी उसी का ही पार्ट है, उनको भी कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज कर रही होगी। एसर को भी अच्छी तरीके से पता है कि यह पेंडिंग विड्रॉल्स बहुत ही जल्दी पहले हम लोगों को मिल जाने चाहिए थे, लेकिन बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने की वजह से यह पेंडिंग विड्रॉल्स हम तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब बहुत ही जल्दी हम लोगों को मिल जाएंगे, इसके लिए हमें पैनिक नहीं होना है। लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या प्रक्रियाएं हमें पूरी करनी पड़ेंगी, ये हमें रियल टाइम में ही पता चलेगा। इसके लिए हमें पैनिक होने की और ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस का हमें वेट करना है, हमें यहाँ पर प्रोसेस के साथ बने रहना है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे विड्रॉल से संबंधित हो सकती हैं, उसका भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे वॉलेट से बैंक अकाउंट में, जब अगर हमारा जो हमारा विड्रॉल्स है जब वो ट्रांसफ़र होगा तो उससे संबंधित कुछ ऐसी प्रोसेस ज़रूर होंगी जो हमें पूरी करनी ही पड़ेंगी और उसको पूरा किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सितंबर के महीने में जब हमने अपना ओ कनेक्ट परचेस किया करना शुरू किया था, तभी से लोगों के वॉलेट में पेमेंट आना शुरू हो गए थे जिन लोगों के इकोसिस्टम में फाउंडिंग मेंबर्स की ऑलरेडी टीम बनी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पेमेंट आना शुरू हो गए थे और अभी तक वह हमारे वॉलेट में ही हैं। जो पेमेंट आया था, जो हमारे ओकॉइंस बने थे, वो हमारे वॉलेट में ही अभी है, वॉलेट में ही मौजूद हैं। बस इस वॉलेट से बैंक अकाउंट तक पहुंचने के लिए कंपनी बैकहेंड के पीछे बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रही है। एसर ने एक बार कहा था कि हम सभी लोगों को पेमेंट बैंक के माध्यम से ही देना चाहते हैं। जी हाँ, बैंक के माध्यम से ही देना चाहते हैं। यह कोई क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी तो है नहीं और ना ही इसको बनाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी देर लग रही है। तो हम सभी लोगों को धैर्य बना करके रखना है और यहाँ पे परेशान होने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर बैंक की बात हुई है तो आपको पता है कि बैंक से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोसेस आने वाले टाइम के अंदर हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब हम लोगों ने अपने विड्रॉ
विड्रॉल्स लगाए थे तो वहाँ पर भी हमें बैंक का अकाउंट नंबर ये सब कुछ वहाँ पे भरना पड़ा था। लेकिन अब ये कंपनी को ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरीके से हमारे बैंक अकाउंट तक पहुँचाती है, क्या उसने प्रोसेस निकाली है, किस तरीके का तरीका निकाला है। यह एक इंटरनेशनल कंपनी है, इस बात को ध्यान रखना। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती जाएगी और हम बहुत ही जल्दी अपनी सफलता तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। यह एक इंटरनेशनल कंपनी है और 8 बिलियन पीपल को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी को बनाया जा रहा है। जहाँ 8 बिलियन पीपल यानी कि इस पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। जब यहाँ पर लोग कस्टमर के रूप में आएंगे तो एक बहुत ही ह्यूज डेटा यहाँ पर कंपनी के पास आएगा, तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक डेटा सेंटर की भी ज़रूरत होगी। कंपनी अपना डेटा सेंटर खुद का इस्तेमाल करना चाहती है। इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हमारा डेटा हमारे पास ही रहे। जी हाँ, हमारा डेटा अगर हमारे पास रहेगा तो यह सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। डेटा सेंटर पर काम होना एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और शुरू से ही इस पर काम चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी माइग्रेशन का प्रोसेस और डेटा सेंटर डेटा ट्रांसफ़र का प्रोसेस लगातार जारी भी है। और जैसा कि एस मुफारिसर ने एक बार कहा था, बताया था कि हमारा डेटा सेंटर हमारे डेटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। जब सारी चीज़ें अपनी होती हैं तो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में भी होती हैं। जब हमारा खुद का डेटा सेंटर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा डेटा सेंटर दूसरी कंपनियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और वहाँ से भी अपनी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, जब हमारे पास डेटा सेंटर होगा तो बहुत सारी जो दूसरी कंपनियाँ होती हैं जिनके पास डेटा सेंटर नहीं होते हैं, वो अपना स्पेस लेने के लिए हमारे पास आ सकती हैं। माइग्रेशन का प्रोसेस जितना हम छोटा समझ रहे हैं, यह छोटा प्रोसेस नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है। जी हाँ, इसलिए इसमें इतना समय लग रहा है, अदरवाइज अब तक तो ये पूरा हो गया होता। इस प्रक्रिया को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें। यह एक बहुत ही बड़े लेवल का काम हो रहा है। डेटा सेंटर को मैनेज करने के लिए बहुत बड़ा खर्च उठाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार यह प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू कर देता है तो फिर सारी टेंशन खत्म हो जाती है और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। जब हमारा डेटा सेंटर खुद का होगा तो सबसे खुशी की बात यह होगी कि हमें किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी कंपनियों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और भी है, जब आपके पास डेटा सेंटर होगा तो दूसरी कंपनियां आपसे कुछ स्पेस लेने के लिए आती हैं और यहां से कंपनी को एक बहुत ही अच्छे लेवल का फ़ायदा भी होता है। अगर हम यहां पर ओक कनेक्ट की बात करते हैं तो आने वाले टाइम के अंदर हमें इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव देखने को मिल सकते हैं, कुछ नए पैकेज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि हमें बताया गया था कि ओक कनेक्ट के पैकेज क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, ईयरली इस टाइप से हो सकते हैं, और देखना यह है कि हमें ये किस तरीके से पैकेज बाय करने होंगे। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कंपनी हम सभी लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर काम कर रही है, हम सभी लोगों को फाइनेंशियली सक्सेस करने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रही है और बहुत ही जल्दी हमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पैकेज पहले से ही परचेज कर लिए हैं, वह कंपनी की एक्टिव फाउंडर मेंबर की लिस्ट में आ चुके हैं। हमारे और भी प्रोडक्ट लाइंड अप हैं, लेकिन हम उनको तभी परचेज कर पाएंगे जब हमारे वॉलेट में कुछ दिखाई दे जाएगा। माइग्रेशन की प्रोसेस के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। बोनस और कमीशन के रिगार्डिंग कंपनी की तरफ से ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आई है जिसमें यह बताया गया हो कि हम लोगों को कितना बोनस आएगा और कितना कमीशन आएगा। इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक किसी भी माध्यम से हम लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। यह सब कुछ रियल टाइम में ही पता चलेगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मुझे कितना यहाँ पर मिल सकता है तो इतना मत सोचिए, यह कंपनी के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें अपना नया पैकेज अपनी जेब से बाय नहीं करना है। जिन लोगों ने अभी तक ओकर परचेज या बाय नहीं किया है उनको तो अपनी जेब से ख़रीदना ही है, लेकिन जो एक बार खरीद चुके हैं अब उनको अपनी जेब से बिल्कुल भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उनको वॉलेट में आने वाली जो इनकम है उसका इंतज़ार करना है। इंटरनेट की कोई भी कंपनी होती है वो बिना ट्रैफिक के कभी भी नहीं चलती है। बिज़नेस को चलाने के लिए ट्रैफिक का आना ज़रूरी है, इसलिए अगर हम अपना बिज़नेस यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं तो हमें भी यहाँ पर ट्रैफिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस ट्रैफिक को
को ट्रैफिक के आने के बाद ही हमारे कस्टमर हम तक पहुंच पाते हैं। आने वाले समय के अंदर देखना बाकी ये है कि हमें ट्रैफिक किस तरीके से एलोकेट किया जाता है। हो सकता है कि हमें ट्रैफिक पैकेज को लेने की भी बात की जाए। यदि हमारे पास ट्रैफिक पैकेज लेने का ऑप्शन आता है तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। इस माइग्रेशन की प्रक्रिया के बाद जो हमारा OES आने वाला है उसको देखने के लिए हम पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं। हम अपनी एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी मंजिल एकदम से नहीं मिलती है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है और एक दिन वह ज़रूर आता है जब हम अपनी कंप्लीट सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं। और इसी कंप्लीट सक्सेस को हासिल करने में बहुत सारा समय लगता है। तो आप सब लोग किसी भी प्रकार से किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता ना करें और ना ही पैनिक होने की ज़रूरत है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मुझे यकीन है कि कंपनी का जन्म ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए ही हुआ है। और इसलिए यह दुनिया दो भागों में बट गई है। पहले वो लोग हैं जो इस दुनिया में आने से, जी हाँ, इसको इस दुनिया में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी इसी में ही बिताना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, लेकिन अब इसको रोकने की किसी में ताकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के अलावा। ये तो आकर के ही रहेगी, ऑन पैसिव तो आकर के ही रहेगी और एक नया इतिहास रच करके ही रहेगी इस इंटरनेट की दुनिया में। इसे कोई नहीं रोक पाएगा और ना ही कभी किसी ने रोक पाया है और ना ही कभी रोक सकता है सिवाय गॉड के। हमें पूरा यकीन है माइग्रेशन प्रोसेस के बाद हमें कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती हैं। यदि हम वेरिफिकेशन की बात करें तो यह हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, वेरिफिकेशन भी होगा आने वाले टाइम के अंदर, यह भी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके बिना कोई भी फंक्शंस आगे वर्क नहीं कर सकता। यह एक व्यक्ति के लिए, अब उसकी पहचान के लिए एक बहुत ही मैंडेटरी प्रोसेस है। इसका भी हम सब लोगों को इंतज़ार करना ही करना है और ये भी हमें बहुत ही जल्दी देखने को ज़रूर मिलेगा। ओके, तो ये थी हमारी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस पेमेंट के रिगार्डिंग, ट्रैफिक, डेटा सेंटर एंड वेरिफिकेशंस एंड दो चार और पॉइंट थे उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।